आज आपके साथ एक नई मज़ेदार सी हेल्दी बर्फ़ी रोल की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसको हमने भुने हुए चने से बनाकर तैयार किया है। इसके लिए मैंने 120 ग्राम चने लिए हुए हैं, जिसको कपड़े पर डालकर इस तरीके से आप रब करेंगे ना, तो इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा। कप से नापे तो ये 1.5 से 2 कप भुने हुए चने मैंने इसमें यूज़ किए हैं। किसी भी बड़ी सी छलनी में आप डालकर इसका छिलका आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। इसको बनाने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। सभी चनों को इस तरीके से हम बारीक पाउडर सबसे पहले बना लेंगे। बिल्कुल बढ़िया फाइन ये पाउडर बनकर तैयार हुआ है। इसको बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे और उसमें मैंने 1/4 कप चीनी ऐड की। अगर ग्राम्स में नापे तो ये 80 ग्राम मैंने इसमें चीनी यूज़ की। चीनी को कैरमल कर लेंगे। तो चीनी को धीरे धीरे ना इसको मेल्ट होने देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, जिससे ये अच्छे से इसी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। और आपको इसमें किसी भी मतलब पानी का यूज़ नहीं करना है। और ये देख सकते हैं अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसमें हम जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, तो इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। जब आप इसमें दूध डालेंगे ना, तो ये जो कैरमल चीनी हमने की है, तो ये अच्छी तरीके से इकट्ठा हो जाएगा और टाइट हो जाएगी। तो बट धीरे धीरे जब दूध गर्म हो जाता है ना, तो सारी चीनी इसी में अच्छी तरीके से घुल जाती है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे इस टाइम और इसको हम चीनी और दूध को अच्छी तरीके से मिक्स होने देंगे। और यकीन मानिए, ये बर्फ़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चीनी और दूध अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है। कलर तो देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया है। चीनी दूध तो जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो इसमें भुने हुए चने का पाउडर हम मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे इस टाइम। देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश मलाई डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। मलाई को डालने से इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आधा कप इसमें नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके बिना इसको बना सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसको फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इसको इसी तरीके से भूनेंगे। बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हैं। सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। और इसमें थोड़ा सा ना घी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। तो आप इसमें ना देसी घी ऐड कीजिएगा, उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो किसी भी इस पर देख सकते हैं, मैंने इसको प्लास्टिक शीट पर निकाल लिया है और इसको हल्का सा ना इस तरीके से हाथों से मसलते हुए ना सॉफ्ट कर लेंगे, बिल्कुल चिकना कर लेंगे और इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। इससे ना इस तरीके से आप प्लास्टिक सीट पर इसको रोल करेंगे ना, तो बहुत ही इजी हो जाएगा इसको ना। देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट हो गया है रोल। और आप चाहें तो ना इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से रोल बनाया है। थोड़े से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, जो खाने में और भी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे क्रंच आएगा इसमें। तो इसको रोल कर लेंगे और ये बर्फ़ी देखने में बिल्कुल मावे की लग रही है और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी ना इस रेसिपी को इस फेस्टिवल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हुई है और कोई नहीं बताएगा कि आपने इसको भुने हुए चने से बनाकर तैयार किया है। तो मार्केट से महंगी महंगी मिठाई न लाते हुए आप घर पर ना इस तरीके से हेल्दी बर्फ़ी की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई। तो इसको ना मैंने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में अच्छी तरीके से सेट कर लिया है और बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो चुका है। तो इसको हम काट लेंगे। तो मैंने इसके थोड़े मोटे पीसेस कट किए हैं और देख सकते हैं कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको हमने प्लेटिंग कर ली है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल जैसे आप मार्केट से लाए हो। बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो मैं आपको एक तोड़ कर दिखाऊं कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है।
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये हेल्दी बर्फ़ी रोल की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। और मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।